मोदी हटाओ देश बचाओ, इसमें क्या आपत्ति हो गई? कौन सी आपत्तिजनक के पोस्टर हो गए? हिम्मत है ना, पोस्टर में अपना नाम लिखो और बताओ जनता को आम आदमी पार्टी पोस्टर लगा रही है और नरेंद्र मोदी को गाली दे। मोदी हटाओ देश बचाओ तो कल आम आदमी पार्टी जंतर मंतर की बड़ी सभा करने जा रही है जिसमें ये नारा दिया जा रहा है। जो लोग मैदान में छू मंतर हो चुके हैं, जंतर मंतर में कुछ पराक्रम करना चाहते हैं तो करने दी। ऐ वतन जान जा जान मन, ये समा ये बहार दिल विदा जान जा, जलवा तेरा जलवा का सजदा सज, तेरा जलवा जलवा जिस, तेरा जलवा जलवा जिस, तेरा जलवा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका। देखिए आज मेरा गला थोड़ा सा ठीक नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि पूरी तरीके से उसी तरीके से हम बात करें जैसा कि हम रोज करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का धरती पुत्र में, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। और आज बात होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, क्योंकि मोदी जी के पोस्टर छपवाए गए और दिल्ली भर में अलग अलग जगहों पर पोस्टर लगाकर कहा गया कि मोदी हटाओ और देश बचाओ। अब पुलिस ने इस मामले में FIR भी दर्ज की है, जिन जगहों पर ये पोस्टर छपे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि पोस्टर पर जिस कंपनी की तरफ से या प्रकाशन की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए थे उसका जिक्र नहीं था, उसका नाम नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि आज पूरी दुनिया के लिए एक भरोसा बन गए हैं और दुनिया भर में उनकी चर्चा हो रही है, आज ये कहा जा रहा है कि चाहे स्टार्टअप इंडिया हो या फिर महामारी से बचाने की कोशिश हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे आगे आता है। तो राजनीति के चक्कर में दिल्ली में प्रधानमंत्री हटाओ भारत बचाओ के नारे के साथ पोस्टर लगाकर क्या राजनीतिक पार्टियां ये समझ रही हैं कि 2024 का जो चुनाव है वो पोस्टर लगाकर जीत जाएंगे? आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग अपने लिए ही, धरती पुत्र और पुत्रियों के लिए। आप लोगों के साथ हम शुरुआत करते हैं हमेशा, तो आज भी आप लोगों से शुरुआत करते हैं। क्या नाम है जी? लोकेश शर्मा। लोकेश जी, क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाएंगे तो भारत बचेगा? ऐसा कुछ नहीं है, मोदी मोदी है भैया, बाकी सब जीरो है। बाकी सब जीरो है, मोदी मोदी है। लेकिन ये जो पोस्टर लग रहे थे कि मोदी हटाओ और भारत बचाओ, क्या लग रहा है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इससे फायदा होगा कुछ राजनीतिक पार्टियों को? मोदी जी को और फायदा होगा और ज्यादा सीट जीतेंगे, और ये टुकड़े टुकड़े जो गैंग है ये बुरी तरह और ज्यादा धराशायी होगा, और धराशायी हो जाएगा। फायदा होगा सारा, सारा फायदा होगा, सारा फायदा होगा। क्या फायदा होगा? मोदी जी आएंगे ना यहाँ पे, सारा फायदा होगा, सारा फायदा। अभी तो मोदी जी हैं ही, आएंगे तो फायदा ज्यादा होगा, आएंगे तो फायदा ज्यादा होगा। लेकिन क्या लग रहा है कि ये जो पोस्टर लगवाए गए कि मोदी हटाओ भारत बचाओ, तो इससे विपक्षी पार्टियों को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो बोलने वाले हैं उनको फायदा हो जाएगा? लोग समझेंगे कि हाँ मोदी को हटने से भारत बच जाएगा? नहीं बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, मोदी जी रहेंगे तो भारत बचेगा? हाँ, केजरीवाल जी अगर आ गए तो नहीं बचेगा? नहीं बचेगा। राहुल जी आएंगे तो? राहुल जी तो बेकार है, जीरो है, जीरो है, जीरो के हीरो है, जीरो के हीरो है, जीरो के हीरो। ये कौन सा हीरो होता है भैया, जीरो के हीरो? हाँ, यही केजरीवाल है जो लालू यादव को कहते थे चोर है लालू यादव, आज ये उसी का बचाव कर रहे हैं, क्योंकि चोर चोर मुसेरे भाई सारे इकट्ठे होकर एक ईमानदार प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं। मोदी को कोई हरा नहीं सकता, इसके बाद 30-35 साल राज करेगा मोदी। मोदी 30-35 साल प्रधानमंत्री के रूप में योगी जी रहेंगे। अरे तो क्या 50 तक बुक कर दिया है? मोदी जी तो खुद ही कहते हैं कि ये जितना कहें हटाओ उतना ही रहेंगे, और जितना गाली देते उनके लिए आशीर्वाद। तो पहले तो कब्र खोदने की बात चली थी, अब मोदी को हटाने की बात चली है। तो युवा लोग बहुत खड़े हैं यहाँ पर, नए नए लड़के हैं, नई नई मूछें आई हैं, नई नई दाढ़ी आई है। क्या जी, क्या नाम है? नवीन है? नवीन। नवीन, क्या लग रहा है मोदी जी को हटाओ और भारत बचाओ ये चलेगा? मोदी जी रहने चाहिए, जब तक मोदी जी रहेंगे हमारे देश का और तरक्की होगी और आगे जाएगा देश, और आगे जाएगा। हाँ जी, क्या शर्मा रहे हो कि घबरा रहे हो? मोदी जी रहे आए, दोबारा आएंगे। इतना घबरा घबरा के कह रहे हो? क्या जी, क्या हाल है? हाँ जी, बस बढ़िया हाल है, बढ़िया हाल है।
दू माइक दू पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और कोई तो काबिलियत होगी मोदी जी में जो आज कितने ही देश जो बाहर के हैं वो हमें पूछ रहे हैं, जो जहां हमारी गिनती तक नहीं थी हम स्टैंड नहीं करते थे, आज हम खड़े होकर वहां अपनी बात रख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं और लोग हमें सुन रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है नहीं है तो, लेकिन ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि मोदी हटाओ भारत बचाओ? ये इनको आदमी नहीं है, ये अपने देश के आदमी नहीं है, जो भी अपने देश के आदमी नहीं है। अरे भैया दिल्ली में ही पोस्टर लगाए गए थे, 50,000 पोस्टर छपने के लिए दिए थे। बाहर से कोई आतंकवादी आया, इंडिया का आदमी नहीं है वो, जो भी है आतंकवादी है आतंकवादी। हम तो कनेक्शन लेकिन आम आदमी पार्टी से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आम आदमी पार्टी आतंकवादी थोड़ी ना है। वो सब फालतू बात है, हम तो मोदी और योगी भक्त है, सीधी सी बात है। मोदी और योगी भक्त हैं, मोदी चल रहे थे अभी तो योगी भक्त भी आ गए हैं। हाँ जी आता हूँ आपके पास जरा मैं, फिर आ गए। ये कहाँ दारू पी के तुम घूमते रहे तो गिर गए थे कहीं? मोदी के साथ हनुमान जी। पहले ये बताओ वो ठीक है, ये बताओ कहाँ चोट लगवा के आए हो? वो गाड़ी चला रहा था। कौन सी गाड़ी चला रहे थे? वो चला था बाइक बाइक चला रहे थे। दारू पी के बाइक चलाओगे तो ऐसे ही होगा, गिरोगे, हाथ पैर टूट जाएंगे तुम्हारे। आता हूँ मैं अब एक एक करके आऊंगा, लेकिन जरा मेहमानों से परिचय करवा देता हूँ। देखिए अवधेश कुमार जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, जयराम विप्लव जी हैं हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता, रमनीश वत्स हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, जगदीश शर्मा जी हैं कांग्रेस के नेता, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी से, संजीव कौशिक जी हैं और चारू शर्मा हमारे साथ सेंटर में मौजूद है। सवाल ये है कि मोदी हटाओ भारत बचाओ, इसकी नौबत क्यों आ गई? देखिए ये कोई नई बात नहीं है, विपक्ष की पार्टियां हमेशा ये करती रही है। नई बात ये है कि पोस्टर में नाम डालने का हिम्मत नहीं कर पा रही है, जनता के बीच में खुलकर मोदी का विरोध करने की हिम्मत किसी पार्टी में नहीं बची है। और ये कानून है देश का, आप कोई पोस्टर पब्लिक में लाते हैं तो पब्लिशर का नाम, उसको छपाने वाले का नाम होता है, इसीलिए कार्रवाई हो रही है। ये तो अपने घोटालों से अपने नेताओं के जेल जाने, किसने छपवाए हैं पोस्टर? ये तो पकड़े गए ना, आम आदमी पार्टी के दफ्तर से गाड़ी निकली, पुलिस ने पकड़ा। आप तो ये खुद भी कह रहे हैं कि हम ही ने छपवाया, तो छपवाए मैं तो कहता। लेकिन ये बताइए मुझे कि आम आदमी पार्टी, अगर मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर से ये पोस्टर निकले और वहां से जा रहे थे ये चिपकने के लिए, तो आम आदमी पार्टी क्यों कह रही है कि मोदी हटाओ देश बचाओ? आम आदमी पार्टी इसलिए कर रही है क्योंकि मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जमीन तक उतारेंगे और भ्रष्टाचारियों को पकड़ेंगे। दो दो मंत्री जेल में, पूरी सरकार जेल में जाने वाली है, मुख्यमंत्री के ऊपर तलवार लटक रही है। ये रोज कहते थे ना सीबीआई 3 घंटे के लिए दे दो, सीबीआई तो इनको एक दिन के लिए भी नहीं मिलेगी, लेकिन ये सीबीआई को जब मिलेंगे ना तो सीबीआई सारा राज उगलवा लेगी। ठीक है, लेकिन ये बताइए संजीव जी कि भ्रष्टाचार का जो रोग है और उस मामले में जो लोग पकड़े जा रहे हैं, तो अब एक ही नारा बचा है कि मोदी हटाओ और देश बचाओ भ्रष्टाचारियों के लिए। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं और हमें गर्व है इस बात का। हाँ। और यहाँ लोकतांत्रिक मूल्य, लेकिन उसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनको हटाने की बात कौन कर रहा है फिर? अवतारी पुरुष है। हाँ। लोगों ने वोट दिया है, चुन के आए हैं। कौन सा ऐसा देश का प्रधानमंत्री है जो यहीं पर रहा और इसी कुर्सी से चिपक गया? आज आप भी आए हैं, कल वो भी जाएंगे, कोई नया आएगा और नया रहेगा, हिंदुस्तान अपने जगह पे रहेगा। लेकिन भ्रष्टाचार से बचने के लिए तो नहीं कह रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ? कौन भ्रष्टाचार से लड़ने की बात कर रहा है? मंत्री तो आम आदमी पार्टी के अंदर है ना जी, भ्रष्टाचार के नाम पर आप की पार्टियों को परेशान कीजिएगा, ये दिखाई नहीं दे रहा है? ये परेशान कर रहे हैं तो अदालतों को दिखाई नहीं देता है कि परेशान कर रहे हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया? भाई साहब पिछले 8 सालों में पहली बार लोगों ने देखा कि देश के अदालतों में बैठे हुए जो सिर पे थे उनके आंसू बहते हुए लोगों ने देखा है। उनको भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने ईडी को नहीं छोड़ा, सीबीआई को नहीं छोड़ा। सब लोग जानते हैं कि किसका इस्तेमाल कैसे करना। ईडी सीबीआई को बीजेपी ने नहीं छोड़ा या ईडी सीबीआई ने भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ा? नहीं, बिल्कुल वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्या 96% 97% केवल विपक्षी पार्टियां ही है करप्ट? भारतीय जनता पार्टी की कोई करप्ट पार्टी नहीं? जो लोग करप्शन में लिप्त, मतलब आप ये तो नहीं कहना चाहते कि हमारे पास करप्ट हैं लोग तो उनको तो पकड़िए ही पकड़िए, उधर भी करप्ट हैं तो पकड़िए, लेकिन भाई सत्ता भी तो एक चीज होती है। अच्छा ये बात ये अब खुद कह रहे हैं कि सत्ता भी कोई चीज होती है और सत्ता इन सबों का इस्तेमाल कर रही है जो जनता कुर्सी पे। आप भी करते थे क्या सत्ता का इस्तेमाल? करते थे, सीबीआई और ईडी छोड़ देते थे पीछे? पहले तो ईडी का नाम भी नहीं समझते थे आम पब्लिक। देखिए झा साहब, मुझे बड़ा दुख है कि राजा जी के पीछे इस तरह के पोस्टर लग रहे हैं, नहीं लगने चाहिए। आपको पता है ये जब से आए 9 साल में महंगाई कम कर दी है, पेट्रोल डीजल सस्ता कर दिया, किसान खुशहाल है, देश में राम राज चल रहा है, तो हमें तो दुख है
कि राजा जी के इस तरह के पोस्टर नहीं लगने चाहिए। दुख है, बड़ा दुख है। या ये लग रहा है कि भैया अपना नंबर आए ना आए आम आदमी पार्टी कहीं नंबर न ले जाए। यानी बड़ा दुख है, राजा जी के इस तरह के पोस्टर नहीं लगने चाहिए। देश खुशहाल है, इन सबके पास रोजगार है, ये बेचारे तो मोदी जी राजा जी हो गए। राजा जी हैं भाई मेरे देश। राजा बाबू किसकी पार्टी में? भाई मेरे देश के प्रधानमंत्री राजा हैं। बढ़िया बढ़िया सूट पहनते हैं, महंगे महंगे जहाजों में। ऐसे मत करो, मेरे देश के प्रधानमंत्री राजा जी हैं। राजा जी हैं तो ये अपमान नहीं कर रहे उन जनता का, उन लोगों का जो जिन्होंने वोट देकर उन्हें इस सीट पर गद्दी पर बिठाया? देखिए 18 घंटे कौन काम करता राजा जी इसी जनता के लिए। पेट्रोल डीजल 30-35 रुपए लीटर होगा, पता आपको? महंगाई तो है ही नहीं, और किसान खुशहाल है, नौजवान सबके पास नौकरी है, इनमें कोई बेरोजगार नहीं है, कोई बेरोजगार नहीं है। देखिए इस बात पे ताली बजने लग गई कि नौकरी नहीं है, इस बात पे ताली बजने लग गई। इधर देखिए, हाँ जी क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो कहता हूँ ये जो पोस्टर की बात कर रहे हैं ना, अगर स्टूडेंट की अगर स्ट्रगल की बात कर रहे हैं ना, देखा जाए आज के टाइम में ये सर बोल रहे हैं बेरोजगार, सॉरी रोजगार दे रहे हैं। अगर देखा जाए तो अपने बिहार में भी ऐसी चल रहा है, स्टूडेंट की लाइफ ऐसी की ऐसी है, और रिजल्ट दे के छीना जा रहा है पहली बात। और रोजगार की बात करें, किसको रोजगार मिल गया? मैं पोस्टर की बात कर रहा हूँ, ये सारा सारा राजनीति है। मैं तो यही कहता हूँ देश के लिए प्रधानमंत्री हमेशा मोदी जी बेस्ट है। और सेकंड चीज, अगर मोदी जी की देखिए जब तक रहेंगे तब तक हमारे मोदी, देखिए ये जो युवा है और इसको इस बात से मतलब नहीं है, ये कह रहा है कि भैया बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, मामला एक जैसा है, लेकिन एक चीज जो है वो देश में रहनी चाहिए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहने चाहिए। हाँ जी, माइक नहीं पकड़ो, बोलो। आप बोल रहे हो मोदी जी रहने चाहिए, वो बोल रहे केजरीवाल रहने चाहिए। हम नहीं बोल रहे हैं। हाँ अच्छा, आप क्या बोलते हो? हम तो बोलते हैं कि जनता क्या बोलती है। जनता ये बोलती है कि आप कानून बनाते हो, किस लिए बनाते हो? कानून अपनी जेब में भरने के लिए। आपका गुजरात है, मोदी जी का ही गुजरात है, ठीक है, वहाँ पर दारू बैंड है, वहाँ पर क्या नहीं मिलता है? बिहार में दारू बैंड है, सबसे ज्यादा दारू वहाँ पर बिकती है, ब्लैक में बिकती है। तो कानून बनाए जाते पब्लिक को, सिर्फ गरीब लोगों को लूटने के लिए। कानून ये नहीं है कि आज ये है, ये आप लोग ही मोदी जी का प्रचार करते हो। सन 2014 से हिंदू मुस्लिम दुनिया भर की चीजें ये सब चली, सन 2014 से पहले के मुसलमान। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद अफजल है। मोहम्मद अफजल साहब है, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा है साहब, ये केजरीवाल साहब बड़ी ईमानदारी करने आए थे, ना गाड़ी ले ना घोड़ा ले, सबको बंदर कार है। आज उनके पास रही तो सबके दर्द हो रहा पेट में, क्या ये पूरी पार्टियां ही चोर है? मैं चलो केजरीवाल के मुंह पे बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपना बच्चा हर दिन भेजा आंदोलन में कि अच्छी तरह सेवा करना वहाँ बुजुर्गों की। केजरीवाल से झूठा आज तक न राजनीति में पैदा हुआ न होगा। हाँ जी, हाँ हाँ, केजरीवाल जी खुद झूठे है, इन बच्चों को शराब पिला के इन्होंने बच्चों को बिगाड़ दिया। एक पेटी के साथ एक पेटी दी उस मनीष सिसोदिया को, कट्टर ईमानदार बताते हैं, और सिसोदिया उसको सतेंद्र जैन को कट्टर ईमानदार बताते हैं, जो कि हॉस्पिटल के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा था। ये गुरु नानक हॉस्पिटल के अंदर मैं अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाने गया था, मैंने उनको बोला सतेंद्र जैन जी को, मैंने कहा अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, वो लेंस मेरी आंखों का फ्री में नहीं डाल रहे, कह रहे 30,000 रुपए लगेंगे। तो मैंने सतेंद्र जैन जी को कहा कि चलो जाके कार्रवाई करो, लेकिन वो कहते मैं आप जाके वही हॉस्पिटल का डलवाओ, मेरे बिना कार्रवाई करे बाहर भाग गए। मैंने कहा आप एक दिन जेल में जाओगे, आज वो सतेंद्र जैन जी जेल के अंदर है और जेल में ये आपने शराब दे दिया था और शराब लग गया उनको। भाई साहब, सर ने जैसे कहा कि मोदी जी महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, यहाँ पे कौन दिख रहा है कि सस्ते कपड़े पहन रखा? ये बात भी है, अब जो कह रहे हैं उन्होंने सस्ता कपड़ा पहना है कि नहीं पहना है वो देख लीजिए। मैं बताओ, वो तो विदेश दौरा करते हैं, विदेश में जाते हैं और हमारी वहाँ जाके नहीं, लेकिन कपड़े से क्या लेना देना? कपड़ा तो अच्छा ही पहनना चाहिए भाई, बढ़िया साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए। अब आऊंगा दोबारा आपके पास, लेकिन सवाल ये नहीं है कि कपड़ा किसका कैसा है और कौन कितने का जूता पहनता है, सवाल यह है कि देश को कौन ठीक चला रहा है। सवाल यह है कि क्या मोदी जी हैं तभी देश है या देश है तब मोदी जी हैं? वो लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी हैं तो देश है। यही जनता दिल्ली में केजरीवाल को जिताती है तो उसको कैसे मानेंगे आप? यही जनता दिल्ली में केजरीवाल, अरे पता नहीं यही जनता है कि नहीं है, ये बाहर से भी आते हैं। किसने वोट दे दिया? यदि जनता विरोध में ही है, ये सारी जनता यहाँ खड़ी है, सारी विरोध की बात कर रही है, तो वोट किसने दे दिया? अरे इस बार बीजेपी को बाहर कैसे किकआउट कर दिया, एमसीडी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया? यही जनता है, ये जनता के बातों। हम जहां भी जीते और जहां भी हारे हमने कभी चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया, हमने तो जनता के आदेश को सिरोधारी माना। ये कौन लोग हैं जो हारते हैं
ईवीएम खराब हो जाता है और जीतते हैं तो उसको स्वीकार कर लेते हैं। और रही बात केजरीवाल की, ये बताते क्यों नहीं कि दिल्ली का शराब मंत्री जेल में है, ये बताते दिल्ली के शिक्षा मंत्री को बंद कर दिया। अरे शराब घोटाले में शराब मंत्री जेल में है, बताइए कि आपने एक शराब मंत्री के हाथों शिक्षा मंत्रालय गिरवी रख दिया था, बताइए देश को। और रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी ने आज भारत को विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। आज ही रिपोर्ट आई है अमेरिका से दुगना खर्च भारत कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। जब भाई साहब मैं कह रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ जगदीश जी आ रहा हूँ, लेकिन एक बात तो है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर हो या फिर स्टार्टअप लेवल पर हो, हमारे देश में अभी कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिसको अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां भी लिख रही हैं, कह रही हैं, है ना। ये तो तारीफ है काबिल, जो अच्छा है उसको अच्छा नहीं कहेंगे तो कैसे चलेगा, लेकिन जो गड़बड़ है उसको भी दिखाना चाहिए। हाँ जल्दी से देखो, मेरे भाई ने अभी एक बात कही मोदी को लेके, अब मैं इन सब भाइयों से पूछता हूँ, जिस देश में पढ़े लिखे लोग हैं वहां भी अपना नाम देके ठप्पा लगाते हैं, ये बात सबसे पहले किसने कही? ईवीएम का विरोध सबसे पहले किसने करा? इनको नहीं पता होगा, मैं बता दूं, राजा जी ने सबसे पहले ईवीएम का विरोध करा था। और ये सोशल मीडिया पे सबने देखा है, पर बोलेंगे नहीं क्योंकि राजा जी के खिलाफ कोई नहीं जाना था। आप अपमान कर रहे हैं नहीं। उन करोड़ों लोगों का जो जिन्होंने वोट दिया और प्रधानमंत्री उनको बनाया, उनका अपमान कर रहे हैं। और ऐसा तो नहीं जगदीश जी ऐसा तो नहीं, इसीलिए जनता आप लोगों को खारिज कर रही है। प्रधानमंत्री तो ईवीएम ने बनाया, ये जनता तो भोली भाली है, वोट कहाँ देती है, वोट कहाँ जाती है, किसी से छिपा, राजस्थान में किसी से छिपा नहीं, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में भी खेल हुआ, छत्तीसगढ़ में ईवीएम का खेल हुआ, वहाँ पर कांग्रेस में भी उनका खेल, तो वहाँ पर कांग्रेस हिमाचल में था, हिमाचल में नारा था कांग्रेस के 60 और बीजेपी के 8, जब ये 12 बजे तक पीछे 25 पे आ गए तो मैं भी समझ गया खेल हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है मतलब ईवीएम पर खेल ही होता है, चाहे राजस्थान में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे हिमाचल में हो। लेकिन सर एक बात ये है, देखिए ये ईवीएम का रट्टा जो है वो तो लगता रहता है, लेकिन क्या अब विरोधियों विपक्षियों के पास एकमात्र बदनाम करने का और ये दिखाने का कि भैया मोदी हटाओ तभी देश बचेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं? नहीं, थोड़ा इसको अलग रूप में भी देखिए, जैसे हाईवेज पर कोई गाड़ी चल रही हो और अचानक गाड़ी फिसल के नीचे जाती है और फिर उसके बाद ड्राइवर से भी गाड़ी नहीं संभलती है और उसके बाद असंतुलन होकर गाड़ी पलट जाती है, तो भारत का जो समूचा विपक्ष है वो धीरे धीरे आप ध्यान से देखेंगे कि वैचारिक स्तर पर, विचार के स्तर पर, सरकार से लड़ने के स्तर पर, जिसको रणनीति कहते हैं उसके स्तर पर, संगठन के स्तर पर, वो ऐसी फिसली हुई गाड़ी है जिसमें सब पता चलता है कि सब असंतुलन की अवस्था में कौन क्या बोलता है। एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी का विरोध करने विदेश में जाता है, वो देश का ही विरोध कर देता है कि भैया यहाँ लोकतंत्र कुछ है ही नहीं। और चोरी चोरी चुपके चुपके लड़ाई नहीं होती है, जो फिल्म है। अगर पोस्टर लगाना है, हम लोग पैदाइशी पोस्टर लगाने वाले और आंदोलन करने वाले लोग रहे हैं, राजीव गांधी मुर्दाबाद, इंदिरा हटाओ, आप तो जेपी आंदोलन में भी रहे ना, हम लोग ये करते रहे हैं इसमें कोई, लेकिन खुलेआम निकलते थे, लोगों के साथ निकलो और पोस्टर लगाओ। ये चोरी चोरी चुपके चुपके एक व्यक्ति, नरेंद्र मोदी की राजनीति की नीति क्या है, हमने देखा है कि पहली बार एक सरकार है जो विपक्ष के विरुद्ध, जब विपक्ष नहीं मानता है तो उसके सारे सांसद मंत्री पूरा विजय चौक पर नारा लगाते हुए चलते हैं। तो ऐसे आदमी से अगर लड़ना है तो वैसे ही सीना तान के सामने अगर विपक्ष आए तब तो लड़ाई होगी। ये चोरी चोरी चुपके चुपके रात में पोस्टर लगा दो, चोरी चोरी चुपके चुपके, भाई साहब ये चोरी चोरी चुपके चुपके पोस्टर लगाएंगे तो मोदी जी से जीत जाएंगे क्या भैया? जीतेंगे? कौन जीतेगा? अरे जो पोस्टर लगा रहे और कौन जीतेगा? हम थोड़े सा चुनाव में खड़े होंगे जो हम जीत जाएंगे। अरे पोस्टर वाले ही तो जीतेंगे या हारेंगे, क्या जी सरदार जी, है ना? अब विद्यानाथ झा या ये तमाम लोग जो यहाँ खड़े हैं पत्रकार, वो थोड़े ना पोस्टर लगाकर जीतेंगे या हारेंगे? तीन लेने आए हैं सर, 15 लाख लेने आए हैं। 15 लाख लेने आए तो हमारे पास तो नहीं है भैया, कहाँ से दें हम? 400 पीसी हुआ सर हमारे साथ, 400 पीसी 400 पीसी हो गया है। FIR कराओ, FIR कराओ जाके 420 का। अपना भी वोट डाले सर और बाकी गांव वालों का भी वोट डलवाए सर, सबका वोट डलवाए सर। 15 लाख नहीं मिले, अभी बिहार से आए हैं सर। ये क्या लेके आए हो? एक शर्ट लेके आए हैं सर, शर्ट लेके आए काम करने के लिए। 2 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ रोजगार भी बोले थे मोदी जी, वो कहाँ है? 2 करोड़ रोजगार भी नहीं है, और क्या रोजगार भी ढूंढ रहे हैं 2 करोड़ सर। ये सिर्फ माहौल खराब किया जा रहा है और कुछ नहीं है। माहौल पोस्टर लगाकर खराब किया जा रहा है कि बढ़िया किया जा रहा है सर? 300
तीन सीटों से 303 पे आ गई भाजपा। आप कह रहे हैं कि ये पोस्टर वार में जीत जाएंगे, अगली बारी 330 पे आएंगे। ये लो भैया, अरे पोस्टर इसलिए थोड़ी ना लगा रहे हैं कि 330 हो जाएंगे। क्या जी, नमस्कार, कैसी हैं आप, कहाँ से आई? पटना बिहार से। बिहार से आई हैं, जरा जोरदार ताली बजाइए धरती पुत्री के लिए। हाँ जी कहिए, बोलिए। हम कोई इंटरव्यू थोड़ा ना आपका ले रहे हैं, जो हम बोलेंगे आप जवाब देंगे, जो मन में आता है बोलिए। देखिए ना, मौजूदा सरकार देश सारे आदमी परेशान है, छोटे छोटे बच्चा भी परेशान। बिहार की सरकार से की केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार से। बिहार की सरकार से? बिहार की सरकार से तो परेशान है ही, केंद्र सरकार से भी परेशान है। बिहार में सरकार ही नहीं है? सरकार है। है सरकार बिहार में? ये सरकार नहीं है, मौजूदा सरकार नहीं है, वो जेडीयू की सरकार है, वहाँ से भी परेशान है। आप राजनीति राजनीति में थोड़ा सा इन्वॉल्व रहती है कि नहीं रहती है, सामाजिक कार्यों में? सोशल कार्यक्रम करते हैं। हाँ, समझ में आ गया भाई साहब, सोशल काम के नाम पर जो चलता है वो सब हम लोगों को पता है। भाई साहब उधर हाथ उठा रहे हैं। जी, सरकार बनेगी आने वाली? किसकी? केजरीवाल जी की? नहीं, भाजपा की। क्यों, तो पोस्टर वोस्टर लग रहा है कि मोदी हटाओ मोदी हटाओ? नहीं, लगने दीजिए, लगने से क्या होता है? लगने से कुछ नहीं होगा। क्या जी, आगे आइए थोड़ा सा। हाँ, महिला शक्ति पीछे नहीं रहनी चाहिए। क्या नाम है जी? आकांक्षा मिश्रा। है? आकांक्षा मिश्रा। मिश्रा जी कहाँ की रहने वाली है? जी मैं यहीं की रहने वाली हूँ। दिल्ली की रहने वाली? ऐसे तो मिश्रा जी दिल्ली के कैसे हो सकते हैं, कहीं ना कहीं तो और के होंगे आप। हाँ जी, यूपी की होंगी या बिहार की होंगी? यूपी की। सर जोरदार ताली बजाओ भाई धरती पुत्री के लिए। बताइए क्या कहेंगी, मोदी जी को हटाओ तो देश बचाओ चलेगा क्या? हाँ जी, ये सिर्फ एक जुमला बन चुका है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा फिर, क्या लगता है आप? जी अभी आगे ऐसे ही कंटिन्यूसली चलता रहेगा और हम लोग आगे विकास करते रहेंगे। विकास करते रहेंगे, लेकिन और भी पार्टियां हैं देश में, उन पार्टियों को मौका नहीं देंगी क्या आप लोग? जी मौका तो दिया जा रहा है, आपके दिल्ली वालों ने तो बहुत मौके दिए हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ दिखने में तो आ नहीं रहा। दिल्ली में तो केजरीवाल केजरीवाल जी हैं। हाँ जी, तो देश में केजरीवाल जी नहीं चलेंगे? अगर दिल्ली में निगम में भी सरकार में भी केजरीवाल हैं तो देश के बाकी राज्यों में भी तो चल सकते हैं। ये फिलहाल तो इंडिया मोदी को ही मांगता है। फिलहाल इंडिया मोदी को ही मांगता है भाई साहब, है ना? क्या मोदी जी को हटाओ तो देश बचाओ ऐसे चलेगा? ये सब से बोलने से कोई समाधान नहीं मिलने वाला है। ये सब तो फालतू की और बेकार की बातें हैं कि मोदी जी को हटाओ तो हमारा देश बचेगा। आई थिंक चीजें कई हद तक सही भी चल रही है और सही है भी, और ये सब बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमें इंतजार करना होगा नेक्स्ट इलेक्शन का, उसमें हमें पता चलेगा क्या सही है और क्या। हाँ, उसमें पता चल जाएगा अम्मा जी कि मोदी जी का काम जो है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है क्या। हाँ, क्या ये फूल किसके लिए लेके जा रही है? अभी बताती हूँ, पहले मैं नहीं तुम, मतलब तुम मत बताओ, अम्मा जी को बताने दो, सब तुम ही बोल लोगे। अम्मा जी जी एक स्ट्रांग पर्सन है और उन्होंने इंडिया को भी स्ट्रांग बनाया है, लेकिन मतलब थोड़ा सा यही कहना है कि इंडिया को मतलब एजुकेटेड ज्यादा मतलब ध्यान दिया जाए एजुकेशन पर, एजुकेशन पर, और सबको सेम होनी चाहिए, गर्ल्स को भी और बॉयज को भी। हाँ। कहीं अगर बॉयज अगर पीछे रह जाते हैं तो वो भी हमारे। अच्छा, अब ये फूल की कहानी बता दी। फूल में आपने मीडिया का को गिफ्ट करना चाहती हूँ, आज सेव वाटर डे, सेव वाटर डे, और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाइए दीजिए, ये पर्ची भी हम रख लेते हैं आपका। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए भाई साहब, दिल्ली वासी। हाँ, यमुना नदी, यमुना नदी को साफ करने की भी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। हाँ, क्या नाम है? रेहान हयात। रेहान हयात, मोदी जी को हटाओ देश बचाओ। मेरा इस पे कोई वो नहीं, कमेंट नहीं। नहीं करोगे तो? अरे भाई कर दो, कुछ ना कुछ तो मन में होगा ही, ऐसे थोड़ा ना होगा। कोई कोई मोदी जी का नाम आ गया तो कमेंट नहीं करोगे? यस जी। केजरीवाल जी का नाम आएगा तो भी कोई कमेंट नहीं है? किसी के नाम पर कमेंट ही नहीं करोगे? ये गजब बात है, ये गजब बात। हाँ, नरसिंह राव से कोई सवाल पूछा जाता था तो वो बोलते नहीं थे। उनसे एक बार पूछा कि आप कमेंट क्यों नहीं करते हैं, उन्होंने कहा नो कमेंट इज ऑल्सो ए कमेंट। तो अगर कोई नो कमेंट कह रहा है तो वो भी। मैं दो सुनिए, दो तीन कुछ मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस समय कि देखिए वाल, कुछ चीजें जो है विपक्ष के सामने स्पष्ट हो गई है। वॉल स्ट्रीट जनरल जो हमेशा नरेंद्र मोदी के विरुद्ध जो है लुटियंस मीडिया की तरह ही आवाज उठा के चलाता था, उसमें पहली बार अमेरिका के जाने माने एक शिक्षाविद ने जो आर्टिकल लिखे हैं बहुत पॉजिटिव, और वो ऐसे नहीं लिखा है, वो भारत में रहा, नरेंद्र मोदी विरोधियों से मिला, हर पार्टी के नेता से मिला, आरएसएस से मिला, उसने जमात इस्लामी से मिला, और उसके बाद उसने लिखा है कि 2014 2019 की तरह ही 2024 में फिर नरेंद्र मोदी की आने की संभावना है। पूरी दुनिया में आज उस पर बहस चल रही है, कल ही आर्टिकल आए हैं। तो ये स्थिति दुनिया के आधार पर है। उसने ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है और आरएसएस जिसको ठीक से समझा ही नहीं गया।
और वेस्ट कंट्रीज को, अमेरिका यूरोप को ठीक से समझने की जरूरत है। एक सेकंड रुक जाइए, दूसरी स्थिति मैं बता रहा हूँ थोड़ा जल्दी सर। अडानी, अरे बड़ा लोग तो बोल ही लिया, मैं तो बहुत स्थिर था, जल्दी ही बोलता हूँ आपका ज्यादा। अडानी मुद्दे पर कांग्रेस की कोशिश थी कि उसके सारे यूपीए के लोग साथ दे। शरद पवार ने स्वयं को अडानी मुद्दे से अलग कर लिया। उसके प्रवक्ता टीवी पर नहीं आते हैं, वो संसद में भी उनकी वही स्थिति है। ममता बनर्जी मोदी का विरोध करते हुए अडानी मुद्दे पर बिल्कुल अलग है। मनीष सिसोदिया के मामले पर केवल 9 पार्टियों ने उस पर हस्ताक्षर किया। तो ये जो परिस्थिति है ये विपक्ष को असंतुलित और निराश करने के लिए पर्याप्त। ठीक है सर, ठीक है। हाँ। अडानी मुद्दे पे सारे लोग अलग है, आप क्यों साथ में है ये तो बता दीजिए। सरकार क्यों अडानी के साथ में है ये तो स्पष्ट कर दे। सारे लोग जानना चाहते हैं, सदन में आप दूसरे बोल नहीं रहे हैं, विपक्षी पार्टी आपसे बात करना चाहती है, माइक का म्यूट कर रहे हैं, माइक म्यूट कर रहे हैं आप। अरे बात तो झा साहब देखिए, पिछले 20 साल से लोकसभा नहीं चल रही है। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो ये विपक्ष में नहीं चलने देते, अब ये सत्ता में है तो नहीं चलने दे रहे हैं। एक मैं सवाल पूछता हूँ आपके माध्यम से मोदी जी से और बीजेपी से, कह रहे कि राहुल गांधी ने ये देख, अरे अंधभक्त अंधभक्त, देखो क्या अगर राहुल गांधी, सबको पता है मोदी जी का वीडियो घूम रहा है विदेशों में, उन्होंने कितनी वो बोला है, अगर राहुल गांधी माफी मांगेंगे, अगर माफी मांगेंगे तो क्या ये जेसीपी गठन करेंगे अडानी के खिलाफ? ये जो बोल रहे हैं राहुल गांधी, माफी मांगेंगे क्या? देखिए इनको लग रहा है कि ये सोए हैं तो देश भी सोया है। 1800 पुराने अंग्रेजों के जमाने का कानून इसी पार्लियामेंट ने बदल दिया, सैकड़ों विधेयक पास हो गए, 9 वर्षों से देश चल रहा है, तरक्की कर रहा है। राहुल बाबा की अटेंडेंस 40% है तो हम क्या करें? ठीक है विद्याना जी, कांग्रेस का दर्द समझ सकते हैं 2000 की बात से। थोड़ा जोर से बोली भाई, ऑडियो लेवल बढ़ाओ। हाँ। विद्याना जी, मैं कांग्रेस का दर्द समझ सकता हूँ कि 2014 के बाद ये सत्ता से दूर है। फिर बात करते हैं कि देखिए अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की विज्ञापन के मामले में, पोस्टर के मामले में कोई सानी नहीं है, क्योंकि 2015 से लेकर के अब तक का देखते हैं तो 1682 करोड़ उन्होंने सिर्फ विज्ञापन के ऊपर और पोस्टर लगाने में ही खर्च कर दिए। यदि आम जनता के लिए करते हैं तो मुझे लगता है जनता नहीं, आज के मुद्दे पर बताइए बात करते हैं। देखिए आपकी शुरू से ही फितरत रही है कि आप असंवैधानिक कार्यों को नैतिकता का रूप दिखाने का प्रयास और नाटकीय ढंग से शुरू से करती आ रही है। 70 MLA होने के बावजूद, 70 में से 62 MLA होने के बावजूद उन्होंने विश्वास, स्वयं की सरकार में विश्वास प्रस्ताव लाया। उसके बाद आप आज जो है आम आदमी पार्टी की बात करूं तो बजट को, भाई इतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं, सीधे मुद्दे की बात। सर मुझे ये बताइए कि क्या मोदी के खिलाफ बरगलाएंगे, लोगों को भड़काएंगे तो चुनाव जीतेंगे 2024 में? उत्तर प्रदेश में विपक्ष के प्रमुख नेता होने के कारण माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा है, हम लोग जाति जनगणना को हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। जाति जनगणना के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, हम लोग इस मुद्दे को काम करने का काम कर रहे हैं। मोदी हटाओ तो देश बचेगा? नहीं, हम लोग जाति जनगणना सामाजिक न्याय के, सबके अपने अपने मुद्दे हैं, सबकी अपनी अपनी बातें हैं।